घरौंडा में नेशनल हाईवे पर स्थित पीडब्ल्यूडी का विश्राम गृह विकास की कड़ी में जुड़ गया है। विधायक हरविंद्र कल्याण ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के नए भवन का शिलान्यास किया। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस नए भवन में वीवीआईपी सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाएगा। इस बिल्डिंग में 5 कमरे और एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं वीआईपी और वीवीआईपी को मिल सकेंगी। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के नए भवन का शिलान्यास करने पहुंचे विधायक हरविंद्र कल्याण ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विपक्ष को मुद्दा विहीन करार दिया। विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको लेकर विपक्ष हल्की राजनीति कर रहा है, जो विपक्ष की मानसिकता को दर्शाता है। आज घरौंडा में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के एक नए भवन का शिलान्यास आज हुआ है, जो लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य होगा और दिल्ली से चंडीगढ़ तक जीटी रोड के ऊपर कोई भी ऐसा एक लोकेशन के हिसाब से देखें तो एक बहुत अच्छी लोकेशन ये घरौंडा की है, जो जीटी रोड के ऊपर है। और आने जाने वाले जितने भी ऐसे वीआईपीज हैं, उन सबको यहाँ पर इसका बहुत इस्तेमाल होता है। उस नाते से, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी, अब नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जिसमें 5 रूम होंगे, कॉन्फ्रेंस रूम होगा और वो सारी आधुनिक जितनी भी एक सुविधाएं रेस्ट हाउस में होनी चाहिए वो सभी इसके अंदर होंगे।